और चलिए अब बात कोरोना पे कर लेते हैं, क्योंकि देश में तेजी से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। देश भर में अब तक कोरोना के 4,170 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में कोरोना के 412 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 25 हैं। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, कोविड के ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 4,170 एक्टिव केस इस वक्त देश भर में है। 24 घंटे में देश में कोरोना के से 3 लोगों की मौत हुई है। अलर्ट मोड पर इस वक्त पूरा प्रदेश है। कोरोना के एक्टिव केस 25 हुए हैं और हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मॉक ड्रिल की सीधी तस्वीर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अलर्ट मोड पर इस वक्त प्रदेश है, कोरोना से सतर्क है और इसीलिए उसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। मॉक ड्रिल के माध्यम से ये जानने का जाना जाएगा कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, अगर कोरोना के केस और ज्यादा बढ़ते हैं तो किस तरीके से उनमें काबू पाया जा सकता है। तो तेजी से कोरोना फैल रहा है और कोविड से बचाव के लिए जो इंतजाम है वो किए गए हैं। मॉक ड्रिल का यहाँ पर रखी गई है, किस तरीके से बेडों की संख्या है और अगर कोविड के मामले बढ़ जाते हैं तो ऑक्सीजन के तहत। महेश दादीच सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। महेश, तस्वीरें सामने आ रही है मॉक ड्रिल की, क्योंकि तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, क्या कुछ है, किस तरीके की तस्वीर है? देखिए, जयपुर के SMS हॉस्पिटल से आप तस्वीरें समय में देख रहे हैं। ये जो है पूरा प्रशासनिक लवाजमा है, जो SMS हॉस्पिटल का प्रबंधन है वो इस समय में जो अस्पताल के अलग अलग वार्ड हैं उनमें पहुंच करके और निरीक्षण कर रहा है। हॉस्पिटल के अंदर किस तरह की जो है दवाओं की व्यवस्थाएं हैं, कैसे बेड्स की व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर यहाँ पर है या नहीं, इन तमाम व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। और कोविड के मद्देनजर जो मास्क है वो तमाम स्टाफ ने यहाँ पर लगाया हुआ है और अब इसी जागरूकता को लेकर के जो है काम यहाँ पर किया जा रहा है। अस्पताल का जो प्रबंधन है वो आप इन समय तस्वीरों में देख रहे हैं। ठीक है महेश, आपके पास वापस लौटते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मॉक ड्रिल आज राज्य भर में फिर से हो रही है, सरकारी और निजी अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल हो रही है, जिसमें जांच, दवा, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं जो हैं वो परखी जा रही हैं। मॉक ड्रिल की सूचनाओं के आधार पर विभाग निर्णय लेगा। और क्योंकि प्रदेश में इस वक्त कोविड के एक्टिव केस 25 हैं, ऐसे में इस मॉक ड्रिल में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसका आकलन किया जा रहा है और इस आकलन के बाद ही जो सूचनाएं हैं वो दी जाएंगी, निर्णय लिया जाएगा विभाग की तरफ से कि किस तरीके से आगे की क्या कुछ और व्यवस्थाएं हैं जिनकी जरूरत हो सकती है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, फिलहाल प्रदेश में 25 एक्टिव मरीज हैं, ऐसे में आगे ये मामले और ना बढ़े इसके लिए रोकथाम जो है वो रहेगी। महेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, आप जानकारी दे रहे थे, बताइए कि क्या कुछ जांच में यहां पर मॉक ड्रिल के समय में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं तो ये कोविड वार्ड है, जहां SMS हॉस्पिटल के लिए अलग से जो कोविड वार्ड है वो शुरू कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से पिछले एक दो दिनों में जो मामले सामने आ रहे हैं और लगातार बढ़ोतरी इन मामलों में देखने को मिल रही थी, उसके बाद से ही जो एहतियात के तौर पर कोविड के अलग से वार्ड है वो शुरू कर दिए गए हैं। इस समय में आप ये पुरुषों के लिए जो कोविड वार्ड की व्यवस्थाएं हैं उनको यहां पर परखते हुए देखते हुए जो है SMS हॉस्पिटल का प्रबंधन आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। SMS हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा वो यहां पर हैं, उनके साथ में जो अतिरिक्त अधीक्षक हैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा और तमाम जो उपाधीक्षक और हॉस्पिटल के जो अलग अलग डॉक्टर मनोज शर्मा और जो पूरी टीम है वो यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को परख रही है और देख रही है। अभी कोविड वार्ड में जो इनका निरीक्षण है वो यहाँ पर चल रहा है और कुछ समय बाद में जो ऑक्सीजन प्लांट है उसकी भी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर देखी जाएगी, परखी जाएगी कि समुचित व्यवस्थाएं यहाँ पर है या नहीं, क्योंकि किसी तरह के आपात हालात होने के दौरान में ये जो वार्ड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं या जो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है ये काम आ सके, इस लिहाज से एहतियातन ये कदम जो है यहाँ पर उठाया गया है। ये पहले जो है ऑन्कोलॉजी के वार्ड हुआ करते थे जिन्हें कि अभी यहाँ पर कोविड वार्ड जो है वो बनाया गया है और ऑन्कोलॉजी की जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग जगह पर की गई है। इसके साथ में ही जो DDC है, DDC काउंटर पर दवाओं की व्यवस्था है
उसको भी परखा जाएगा। अलग से जो काउंटर है वो भी खोले जा रहे हैं और साथ में जो ऑक्सीजन जनरेशन है वो इस समय में कितना हो पा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जो व्यवस्था है वो कितनी है, उसको भी यहाँ पर देखा परखा जाएगा। क्योंकि पूरे प्रदेश भर में जो है ये मॉक ड्रिल इस समय में करने को बोला गया था SMS हॉस्पिटल के जो स्वास्थ्य विभाग है जी। देखिए यहाँ पर क्योंकि इस समय में मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये ENT ICU की है और यहाँ पर की इस समय जो है डॉक्टर्स की टीम वो पहुँची हुई है और यहाँ पर भी जो है ICU की व्यवस्थाएं हैं उनको भी यहाँ पर परखा जा रहा है। तो देखिए आप ये जो तस्वीरें हैं जो जांच से जुड़ी हुई है वो किस तरह से काम कर सके, डायग्नोस जो है वो समय पर हो सके, उस लिहाज से अलग अलग जो इकाइयां हैं उनको यहाँ पर देखा जा रहा है। मसलन कि उसमें क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब भी कोविड रहता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लंग्स पर सामने आता रहा है। और पिछली बार भी ऐसा कोविड की दूसरी लहर में जबकि डेल्टा वर्जन था तो तब ये काफ़ी इस तरह की शिकायतें रही थी। तो इस लिहाज से जो जांचें हैं वो समय पर हो सके ये कोशिश है। और दूसरी अब जब कि नया वेरिएंट जो सामने आया है उस लिहाज से कितनी तैयारी है उसको आज यहाँ पर परखा जा रहा है। नया वेरिएंट जो JN1 है उसको लेकर के अभी ये बात पुष्टि नहीं हो पाई है कि राजस्थान में जो पेशेंट मिले हैं वो JN1 से पीड़ित हैं या फिर नहीं, क्योंकि अभी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसके परिणाम यहाँ पर आना बाकी है। और इस लिहाज से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इस समय में कोविड वार्ड को जो है परख रहे हैं। ENT ICU को कोविड वार्ड बनाया हुआ है और यहाँ पर ही जो साथ में जो टेस्ट है डायग्नोस है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के भी जो है यहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं हैं उनको जांचा परखा देखा जा रहा है। उसके अंदर जो डॉक्टर्स की टीम है वो अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटल के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखेगी। और क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर दौरा किया था और उसके साथ में जो कुछ व्यवस्थाएं थी उनको लेकर के अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर की थी, कुछ कमियां खामियां भी गिनाई थी। तो इस लिहाज से भी एक आज मॉक ड्रिल के साथ ही में इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना भी एक अस्पताल के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में SMS हॉस्पिटल गिना जाता है और राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये। और इस लिहाज से यहाँ पर जो सारा पेशेंट लोड होता है तो पेशेंट्स को समुचित व्यवस्थाएं समय पर मिल सके और यहाँ उन्हें जो सुविधाएं हैं वो समय पर दी जा सके, एक बड़ी चुनौती जो है प्रबंधन के सामने भी रहती है। तो इस लिहाज से किसी तरह के जो लापरवाही है कोई कोताही है वो नहीं रह जाए, इस कारण से जो है हॉस्पिटल प्रशासन वो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से एक्टिव आज दिखाई दे रहा है। कल मुख्यमंत्री के दौरे के बाद से ही जो है तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और आज इस लिहाज से भी एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई है। सेक्रेटरी जो है उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और साथ में तमाम जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रबंधक हैं उनको भी बुलाया गया है, अटैच जो अस्पताल हैं उनके जो अधीक्षक हैं उनको बुलाया गया और जो व्यवस्थाएं हैं जो कमियां खामियां सामने आई थी उनको जो है चिन्हित करके और उन पर बात की जाएगी, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी। तो ये तस्वीर ऐसे में आप SMS हॉस्पिटल की देख रहे हैं। कोविड वार्ड को देखने के बाद जो टीम है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है और अब थोड़ी देर में अलग अलग वार्डों में पहुँच करके और टीम जो है वो बाकी की व्यवस्थाओं को भी यहाँ पर देखने का काम करेगी। और उसके अंदर ये देखा जाएगा कि कोविड के अगर मामले एकाएक सामने आते हैं तो पहले जिस तरह से RUHS हॉस्पिटल जो कि डेडिकेटेड कोविड का एक हॉस्पिटल बना दिया गया था, कमोबेश ऐसा स्थिति नहीं हो कि जिसमें कि कोई एक हॉस्पिटल की यहाँ पर ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त होनी चाहिए। इस लिहाज से जो प्रशासन है उसने ACS शुभ्रा सिंह ने भी जो सबसे पहले निर्देश है वो इसी लिहाज से दिए कि एहतियात में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अभी ILI के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर काफ़ी बढ़ी हुई है। सर्दी खांसी जुकाम के मरीज जो हैं वो इस समय में प्रदेश भर के अस्पतालों में काफ़ी आ रहे हैं और ये OPD भी जो इस समय में सबसे बड़ी वो मेडिसिन डिपार्टमेंट की बढ़ी हुई है। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि जागरूकता की बात करते हैं तो वो काफ़ी कम यहाँ पर नज़र आती है। अस्पताल के भी अलग अलग परिसर में हमने देखा कि जो अभी भी कोविड को लेकर के जो जागरूकता है वो उस मायने में नहीं दिखाई पड़ती है। जो जन जागरूकता यहाँ पर है वो भले ही एडवाइजरी जारी करके और एक गाइडलाइन कि जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करने के लिए बोला गया है, लेकिन अभी उस लिहाज से
जो जागरूकता होनी चाहिए वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो अभी उसको खासतौर पर पालन करवाना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, और साथ साथ में जो है तमाम व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हो सके, क्योंकि देखिए ये दिसंबर के एंड का वक्त है और इस समय में टूरिस्ट सीजन भी जो है वो पीक पर है। जयपुर जी अपने आप में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, देशी विदेशी पर्यटक जो है वो इस समय में जयपुर में पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर आने वाले पेशेंट्स के साथ में जो एक सबसे बड़ी चुनौती है वो ये भी बढ़ जाती है कि बाहर से जो है कोई कोविड के पेशेंट हैं वो यहाँ ट्रेवल नहीं कर रहे हों, और वो स्प्रेड जो है उसको रोकना जो है वो बड़ी चुनौती के तौर पे होगा, क्योंकि पहले की जो कोविड की लहर थी उसके अंदर भी ऐसा ही कांग्रेस देखने को मिला कि जो बाहर के टूरिस्ट थे उनके जरिए कोविड का संक्रमण यहाँ पर फैला था, और उसके बाद में जब स्थिति संभालते उससे पहले वो स्थिति नियंत्रण में नहीं रह पाई, और अभी इस तरह की चीजें सामने नहीं आए इस बात का जो ख्याल है वो अभी से रखा जा रहा है। लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ भी हैं वहाँ पर भी और सार्वजनिक स्थलों पर भी जो भीड़ भाड़ है वहाँ पर अभी कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना अभी उस लिहाज से नहीं देखी जा रही है जो कि अभी इस समय में जरूरत बन आई है, क्योंकि धीरे धीरे चल करके ये है यहाँ पर परेशानियाँ जो है वो खड़ी नहीं हो, इस वजह से जो मैनेजमेंट है जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम यहाँ पर पूरी तरह से जुटी हुई दिखाई दे रही है। अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं तो ये जो पहले स्वाइन फ्लू के जांच केंद्र होते थे अब उसको यहाँ पर कोरोना के जांच केंद्र बनाया गया है, और यहाँ पर कोविड के जो सैंपल हैं वो जुटाए जाते हैं, और यही जो सबसे पहला जो सैंपल है वो यहीं पर लिया जाता है, और SMS हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्शन का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो इसको यहाँ पर बनाया हुआ है, और यहाँ जो है जो अधीक्षक हैं वो पूछ रहे हैं कि किस तरह से सैंपलिंग जो है वो हो रही है, क्योंकि अभी 200-250 के आसपास में राजस्थान में सैंपलिंग हो रही है, यानी सैंपलिंग अभी काफ़ी कम है, और सैंपलिंग को लेकर के जो है ना वो यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं कि जो सैंपलिंग है RT-PCR है उसको बढ़ाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोविड को डिटेक्ट किया जा सके और उसके अनुरूप जो है जो इलाज है वो यहाँ पर दिया जा सके। देखिए कोई स्पेसिफिक इलाज तो कोविड का अलग से नहीं है, लेकिन जो